और जहां से गंगा का उद्गम है वहां तमाम औषधियां पर्वतीय शिखर पर विद्यमान है, वही वहां से उस स्वरूप में निकलती है। तो ये पवित्र माँ गंगा के आंचल से निकला हुआ गंगा जल पवित्र सैनिटाइजर है, प्राकृतिक सैनिटाइजर है। इसके अतिरिक्त हमारे पास शुद्धिकरण के मंत्र भी मौजूद है, सैनिटाइजेशन मंत्र है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुनरेकाक्षं शबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पवित्र हो या पवित्र किसी भी अवस्था में गया हुआ हो, किंतु पुनरेकाक्ष भगवान विष्णु का स्मरण करते ही अंतर्वाही शुद्धि हो जाती है। तो ये पवित्र सैनिटाइजर मंत्र है, हमारे पास सहस्रों वर्षों से हजारों वर्षों से ये चीज मौजूद है, उनको हम विस्मृत करते जा रहे हैं। हम कुछ नया नहीं कर रहे, केवल अपनी प्राचीन संस्कृति का स्मरण, पूर्वजों को नमन, हमारे ऋषियों और महर्षियों की परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। वो हमारे समाज को इसको ग्रहण करना होगा, और जो थोड़ी बहुत विकृति होली होली पर हमारे समाज में आती है उसको दूर करने का प्रयास हृदय से, भगवान की प्रेरणा से, संतों की कृपा से। चंदन और पवित्र गंगा जल के साथ होली का उत्सव प्रारंभ किया जाए। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चरण नश्चन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदामि। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद, इस नामोच्चरण रूप औषधि से संसार के सकल रोग नष्ट हो जाते हैं, यह मैं सत्य कहता हूँ। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चरण नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदामि। ये हमारे महर्षि धन्वंतरी हैं, प्राचीन चिकित्सक। जब वो कोई शल्य क्रिया करते थे तो भगवान की स्मरण के साथ शल्य क्रिया प्रारंभ होती थी।